वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है आरआरबी अहमदाबाद में आया था, ठीक है, ग्रुप सी के एग्जामिनेशन में, एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन में। ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें हम जो है 2014 में जो पूछा गया था एलपी और टेक्नीशियन में जीके का क्वेश्चन और जीएस का क्वेश्चन, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम लाएंगे उसमें हम जो है रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैथ्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि आरआरबी अहमदाबाद का ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के जाइए, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिस्टेरेसिस और भंवर धाराएं हानियां निम्नलिखित में सबसे कम होती है, किसमें सबसे कम होती है, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। ये देखिए दोनों है, भंवर धारा मतलब होता है ईडी करंट, और हिस्टेरेसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस दोनों जो है सबसे कम किसमें होती है। तो ये देखिए एमआई मापयंत्र, एमआई इंस्ट्रूमेंट में, या डायनमोमीटर मापयंत्र में, या एमसी मापयंत्र में, और ये मूविंग कॉयल है, मूविंग आयरन है, और उपरोक्त सभी, मतलब सभी में। तो देखिए इसमें जो है सबसे कम जो होती है वो होती है डायनमोमीटर मापयंत्र में। तो इसका सही आंसर होगा डायनमोमीटर मापयंत्र में हिस्टेरेसिस और भंवर धाराएं दोनों जो है कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के घरेलू सप्लाई वोल्टेज क्या है, घरेलू डोमेस्टिक पर्पज के लिए, घरेलू सप्लाई के लिए वोल्टेज क्या होती है। तो देखिए ऑप्शन है 250 से 300 वोल्ट, दूसरा 110 से 220 वोल्ट, 220 से 230 वोल्ट, 400 से 420 वोल्ट। तो इसका सही आंसर है 110 से 220 वोल्ट, ये जो है घरेलू सप्लाई के लिए ये वोल्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई किया जाता है आपको। तो ये देखिए 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। तो देखिए हर एक कंट्री का एक अपना होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा 50 हर्ट्ज पे इंडिया में जो है सप्लाई किया जाता है वोल्टेज को, ठीक है, पावर को सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है, किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग, देखिए इस तरह का वाइंडिंग बनाते हैं हम लोग, इस तरह का वाइंडिंग बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है। तो इसको वाइंडिंग बोला जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो इसमें जो ये टर्न है तो यही पूछा जा रहा है कि टर्नों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे अधिक किस में होती है। तो ऑप्शन है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग। तो सबसे अधिक जो होती है टर्नों की संख्या वो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिफ्थ नंबर, पावर ट्रांसफॉर्मर, जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी आयरन जो कोर है वो पटलित होती है। पटलित मतलब होता है कि उसको कह सकते हैं कि पटलित का मतलब होता है लेमिनेशन, लेमिनेशन कर देते हैं, ताकि मतलब लेमिनेट कर देने से क्या होता है कि जो सर्कुलेटिंग करंट जो जनरेट होता है वो स्टॉप हो जाएगा, वो बनना बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग लेमिनेशन कर देते हैं उसके कोर को। तो देखिए पावर ट्रांसफॉर्मर की आयरन जो कोर है इसमें ईडी करंट लॉसेस होती है, भंवर धाराएं हानियां होती है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो है पटलित कर देते हैं, यानी लेमिनेट कर देते हैं। तो किस चीज़ के लिए लेमिनेट करते हैं, देखिए कॉपर धाराएं कम करने के लिए, कॉपर हानियां कम करने के लिए, कॉपर लॉस कम करने के लिए, ये गलत है। हिस्टेरिसिस हानियां कम करने के लिए, ये भी गलत है। हम लोग ईडी करंट लॉस, भंवर धाराएं की हानियों को कम करने के लिए हम लोग जो है उसको लेमिनेट करते हैं, पटलित कर देते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर के आयरन कोर को। तो सही आंसर होगा भंवर धाराएं की हानियों को कम करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ट्रांसफॉर्मर में हिस्टेरेसिस हानियां, हिस्टेरेसिस जो लॉस है उसको कम कैसे कर सकते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है। तो आयरन कोर पटलनों की मोटाई कम करके, जो आयरन कोर है उसका पटलन जो है, लेमिनेशन है जो, उसको मोटाई को कम करके, स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर, ट्रांसफॉर्मर पर लोड कम करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि आयरन जो कोर है उसका जो लेमिनेशन है उसकी मोटाई को कम करके, तो आयरन कोर के पटलनों की मोटाई को कम करके, जितना थीन लेमिनेशन होगा उतना कम जो है हिस्टेरेसिस हानियों को कम किया जा सकता है। तो ईडी करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, आयरन कोर को लेमिनेट कर रहे थे, पटलन कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हिस्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए आयरन कोर के पटलनों की मोटाई को हम लोग कम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सीलिंग फैन 7 नंबर है, सीलिंग फैन जिसमें संधारित वाहन मोटर लगी है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों ही व्यवस्थाएं आम है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, सीलिंग फैन में जो संधारित वाहन मोटर लगी होती है इसका आंसर इस ये नहीं होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग वाला भी नहीं होगा, प्राइमरी वाइंडिंग वाला ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ, विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है, जो धारा है जो करंट है वो वोल्टेज के साथ 90 डिग्री फेज में रहती है, तो ये जो है एकदम सही है। विशिष्ट प्रतिरोधी पथ में क्या होता है, जो करंट होता है वोल्टेज के साथ 90 डिग्री फेज में रहती है, धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पीछे रहती है, ये सब गलत है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई चालन सामग्री है ठीक है, उसे चलन हो रहा है तो उसको जैसे जैसे आप अगर गर्म करते हैं तो उसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ते जाता है, जब रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा, कोई भी चीज़ चालन है तो उसको अगर गर्म कीजिएगा तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे उसकी चालकता कम होती जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, गर्म करने पर क्या होता है कि उसकी चालकता जो है कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधार विन्यास प्रवर्धक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर, जो जिसका कि बेस जो है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर सर्वाधार विन्यास प्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, निम्न आवृत्ति परिपथन में, अति उच्च आवृत्ति परिपथन में, मध्यम आवृत्ति परिपथन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मध्यम आवृत्ति परिपथन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन किस्म का, देखिए दो होता है एन और पी होता है, तो इसमें एन किस्म के बारे में पूछ रहा है कि जो एन किस्म के अर्धचालक है उसमें अल्पसंख्यक वाहक कौन होते हैं, जो एन किस्म का होगा तो उसमें देखिए बहुसंख्यक एन होगा, जो पी किस्म का होगा उसमें बहुसंख्यक पी होगा, तो एन किस्म में क्या होगा बहुसंख्यक एन होगा, लेकिन हम लोग कब क्या पूछा जा रहा है अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, तो इसमें जो है अल्पसंख्यक वाहक को हो जाएगा होल। देखिए दो चीज होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है होल, ठीक है। तो देखिए जो पी किस्म का होता है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है, एन फोर इलेक्ट्रॉन के लिए ही दिखाया गया है, तो एन किस्म में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होता है और पी किस्म में होल बहुसंख्यक होता है। और जहां तक अल्पसंख्यक की बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो होल कम हो जाएगा, ठीक है, अल्पसंख्यक हो जाएगा, जिसमें होल ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो एन किस्म में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है इसलिए होल क्या हो गया अल्पसंख्यक हो गया। तो इसमें क्या होगा अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर में अल्पसंख्यक वाहक जो है वो होल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है, अर्धचालक की जो विशिष्ट चुंबकशीलता है वो कितना होती है, तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसका विशिष्ट चुंबकशीलता जो है वो धनात्मक होती है, ठीक है, अनंत है, शून्य है, इकाई है, धनात्मक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीनर डायोड
तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है। कब तक यह कार्य करेगा? जीना डायोड देखिए एक स्पेशल तरह का डायोड है, आप लोग जानते भी होंगे, इस तरह का दिखाते हैं हम लोग, ये जीनर वोल्टेज बोलते हैं, बीजेड बोलते हैं, जीनर वोल्टेज, तो इस डायरेक्ट इधर काम करता है इस लाइन में, तो नी वोल्टेज इसको भी बोला जाता है, नी के तरह आकार बनता है, ठीक है। तो जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है, तो अग्र चालन, निष्क्रिय चालन, पश्च चालन या नन। तो देखिए पश्च चालन में जब तक रखा जाएगा तब तक जो है ये जीनर डायोड काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14th नंबर। रेडियो संचार में संचार का माध्यम होता है एंटीना, रेडार, अंतरिक्ष, उपग्रह। तो देखिए ये अंतरिक्ष के माध्यम से जो है संचार का माध्यम होता है रेडियो संचार में। ध्वनि डैश और आयाम द्वारा अभिलक्षणित होती है, ठीक है। तो ध्वनि का देखिए, ध्वनि का दो चीज है, ध्वनि का साउंड का, वो एक है आवृत्ति और आयाम, ये दो चीजों से ध्वनि जो है अभिलक्षित होती है। तो यहाँ बेग देखिए ये नहीं होगा, पीच नहीं होगा, आवृत्ति। ध्वनि का दो कंपोनेंट है, एक है आयाम और एक है आवृत्ति। तो ये दो चीजों को याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति यहाँ पर। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बोला जाता है लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण है। एलईडी से जो प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है, उसको उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है? तो डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। पहले डायोड गर्म होता है, फिर प्रकाश उससे उत्सर्जित होने लगता है। तो एकदम सही आंसर है ये, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। परिवर्तनों का संयोजन होता है, प्रकाश नियमों का पालन करता है, ये सब गलत है। इसका सही आंसर है डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेतु दृष्टकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनको कम इनपुट की आवश्यकता होती है, इनको बड़े साइज के ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है, इनको कम चरम उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। मतलब जो कम पीक वोल्टेज की आवश्यकता होती है सेतु दृष्टकारी को, इसलिए उसको प्राथमिकता दिया जाता है, यानी कम वोल्टेज पे ही ये मतलब एक्टिवेट हो जाता है काम करने से। सेतु दृष्टकारी को इसलिए जो है प्राथमिकता जाता है क्योंकि इसको कम चरम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसको बोला जाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ आप लिखे होंगे लैब में। सीआरओ की क्षैतिज प्लेट जो होती है, जो हॉरिजेंटल प्लेट होती है, पर निम्नलिखित लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है? ताकि सिग्नल की जो तरंग रूप को देखा जा सके, सिग्नल का जो तरंग रूप है उसको देखा जा सके। आराधंती तरंग, ज्वावक्रीय तरंग, कोज्या तरंग, नन। तो ये आराधंती तरंग लगाया जाता है ताकि जो है उसका क्षैतिज प्लेट को ताकि उसके सिग्नल को तरंग रूप को देखा जा सके। तो क्षैतिज प्लेट पे आराधंती तरंग लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, आराधंती तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलचित्र निम्नलिखित पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है, स्थिर गतिमान, द्रुत गतिमान, नन। तो इसका सही आंसर है जो चलचित्र है वो स्थिर पिक्चरों को श्रेणी में प्रदर्शित करता है। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, टीवी पिक्चरों में गति का दृष्टि भ्रम निम्नलिखित से संबंधित है, रेडियो रिसीविंग सेट से, रेडियो मॉनिटरिंग सेट से, स्मूथ और अविराम पिक्चर के लिए टीवी स्क्रीन पर दृश्यों का प्रकट होना, और उपरोक्त सभी। तो जो टीवी पिक्चर है में गति का दृष्टि भ्रम, ये जो है रेडियो मॉनिटरिंग सेट से निर्धारित किया जाता है, इससे संबंधित है, रेडियो मॉनिटरिंग सेट से। इसका सही आंसर बी है। तो देखिए ये जो है आरआरबी अहमदाबाद का एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का, जो 2014 में पूछा गया था। हमने जो है इसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हिंदी में हम लेक्चर इसको लाए हैं, हम हिंदी में इसलिए ला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इसका फ़ायदा हो सके, बट अगर जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर बोलेंगे तो इसे इंग्लिश में भी लाया जाएगा आगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है, और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ हो सकता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।